नमस्ते आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट डीसी नेटवर्क थ्योरम के बारे में जिसका नाम है थेवनस थ्योरम तो थेवनस थ्योरम अगर डीसी सर्किट्स में अप्लाई होता है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है एनी लीनियर बायोलैट्रल नेटवर्क हैविंग टर्मिनल्स ए एंड बी कैन बी रिप्लेसड बाय सिंगल सोर्स ऑफ ई एम एफ थेवनिन इन सीरीज विथ अ सिंगल रेजिस्टेंस आर थेन कोई भी लीनियर बायोलैचुरल नेटवर्क अगर है जिसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी तो उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उसमें चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज हों कितने भी वोल्टेज सोर्सेस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और करंट सोर्सेस अगर हों तो उन्हें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल सोर्स ऑफ ई के द्वारा जिसे हम लोग वी हेवनन कहेंगे इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस आर हेवनन इसके साथ में एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग आर हेवनन कहेंगे ठीक है ये क्लियर है नंबर okay. number दफ the EMF इज अ वोल्टेज a अक्रॉस टर्मिनल्स ए terminals बी विथ लोड इफ एनी रिमूव्ड दैट इज इट इज ओपन सर्किटेड वोल्टेज बिटवीन ए between बी जो B. एम EMF V हेवनिन है वो क्या कौन सा वोल्टेज है वो और बी के अक्रॉस पाया जाना वाला वो वोल्टेज है जिसके साथ में अगर कोई लोड अटैच्ड है उसे रिमूव कर दिया जाएगा और वो ओपन सर्किटेड वोल्टेज होगा बिटवीन ए एंड बी उस वोल्टेज uh, को हम लोग वी हेवन वोल्टेज कहेंगे ठीक है ओपन सर्किटेड वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी नंबर टू द रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क मेजर्ड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी विथ लोड रिमूव एंड सोर्सेस ऑफ ई एम एफ रिप्लेसड बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस. ठीक है तो ये जो रेजिस्टेंस आर हेवन है वो नेटवर्क uh, का रेजिस्टेंस होगा ए और बी टर्मिनल्स के बीच में ठीक है जहाँ पे लोड रिमूव कर दिया गया है और जो सोर्सेस ऑफ ई एम एफ हैं ई एम एफ के सोर्सेज जनरली दो प्रकार के होते हैं वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस ठीक है उनको रिप्लेस कैसे कर किया जाएगा जो वोल्टेज सोर्सेस हैं उन्हें शॉर्ट कर दिया जाएगा और उन्हें इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा जनरली बैटरीज होती हैं बैटरीज तो का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर देंगे और जो करंट सोर्सेस होते हैं आइडियल करेंट सोर्सेस को हम लोग ओपन कर देंगे ठीक है आइडियल करेंट सोर्सेस को हम लोग ओपन कर देंगे तो ये दो चीज है अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ठीक है तो क्वेश्चन हमारा क्या है यूजिंग थे थ्योरम, डिटर्मिन द करेंट इन द वन ओम रेजिस्टर अक्रॉस बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर ओके सो दिस इज द फिगर फॉर यू दिस इज द फिगर यहाँ पे एक करंट सोर्स है वन एम्पियर का करंट सोर्स ठीक है उसके साथ में यहाँ पे एक थ्री ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है वन वोल्ट का ये पोलैरिटीज नोट कीजिएगा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है ठीक है यहाँ पे एक दो ओम का रेजिस्टर है यहाँ पे भी एक दो ओम का रेजिस्टर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो ब्रांच है उसमें हम लोग एक और रेजिस्टेंस लेंगे वन ओम का ठीक है और ये हमारे टर्मिनल्स हैं ए और बी इसके अक्रॉस हम लोगों को करंट निकालना है ठीक है तो हम लोगों को करंट निकालना है इस वन एम्पियर इस सॉरी इस वन ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में तो चलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम लोग किया कर सकते हैं इसे तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया है इसे मैंने सिम्प्लीफाई कर लिया है तो ये है हमारा करंट सोर्स वन एम्पियर का करंट सोर्स जिसके पैरल में एक थ्री ओम रजिस्टर है यहाँ पे वन ओम वन ओम का जो टर्मिनल्स वाला जो रेजिस्टेंस था वो है ठीक है ए और बी यहाँ पे एक टू ओम का रेजिस्टर है यहाँ पे एक वन वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे टू ओम का रेजिस्टर है अब हम लोगों ने कैसे किया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे वन ओम का रजिस्टर जैसे आपने देखा उसको हम लोगों ने वैसे ही लिया था ठीक है थ्री ओम का जो रजिस्टर है वो भी वैसे ही लिया जाएगा थ्री ओम का रजिस्टर वैसे ही लिया जाएगा क्लियर है अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सिमिलर हैं तो ये वन वोल्ट और टू ओम्स का जो रजिस्टर है ये पैरेलल में रहेंगे क्लियर देखिए ये वन वोल्ट का और टू ओम का रजिस्टर पैरेलल में रहेंगे दिखाया गया है ये टू ओम का रजिस्टर इस पॉइंट ए और इस वन वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में लगेगा तो ये टू ओम्स का होगा क्लियर है देखिए ये टू ओम्स का रजिस्टर बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्लियर है सो दिस इज इज उसके बाद हम लोग इसे इस इसमें करंट को वो करेंगे करेंगे यहाँ पे एक थ्री ओम थ्री वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे एक्स करंट अगर फ्लो हो रहा है ठीक है थ्री ओम के रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे जा रहा है और यहाँ पे वाई करंट इधर फ्लो हो रहा है यहाँ पे अगर वाई होगा तो इधर एक्स माइनस वाई होगा क्लियर है इधर हम लोग करंट नहीं ले रहे हैं क्यों, क्योंकि इसे हम लोगों ने ओपन सर्किट कंसिडर करना है इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करंट नहीं ले रहे हैं तो करंट इधर फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे सिर्फ एक करंट फ्लो हो रहा है वाई और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है एक्स माइनस वाई और ये हो गया हमारा ऐसा तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है ये आ जाएगा हमारा फाइनल uh, हमारा सर्किट ठीक है सेमीफाइनल सॉरी सेमी फाइनल सर्किट होगा ये हमारा तो ये हो जाएगा वहाँ थ्री वोल्ट का ये हमारा फर्स्ट लूप है यहाँ पे थ्री ओम्स टू ओम्स एक्स माइनस वाई करंट हीयर वाई वाई करंट हीयर यहाँ पे वन वोल्ट volt का वोल्ट सोर्स यहाँ पे टू ओम्स का आई थिंक दिस इज क्लियर तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे केवीएल यूज करेंगे इस लूप में तो हम लोग कैसे यूज करेंगे KVL? यहां से माइनस से प्लस में जाएंगे तो यहां पे गेन होगा वोल्टेज गेन तो दैट इज दिस इज वी ठीक है माइनस थ्री और टू में सेम करंट फ्लो हो रहा है इसीलिए थ्री प्लस टू को एक साथ ले लिया गया है थ्री प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन कैसे आ रहा है यहां पे प्लस से माइनस में जाने से वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्रॉप होगा तो हम लोग बाई कन्वेंशन से नेगेटिव लेंगे ठीक है तो देरफोर एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एम पी कैलकुलेट करने पे आ जाएगा ठीक है अब वी थेन क्या है वी थेवन इज इक्वल टू वी ए बी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा वी थेन होगा एक्स का वैल्यू हमें मिल गया है ठीक है तो इस इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितना ड्रॉप हो रहा है वो हमारा वी uh, ए होगा या वी थेन होगा क्लियर है तो यहां पे कितना ड्रॉप हो रहा है यहां पे हो जाएगा माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स, थ्री का है, उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये वोल्ट हो जाएगा क्लियर है अब हम लोग आर्थ थेवनिन निकालेंगे हम लोग वी थेवने मिल गया दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं थेवनिन और थेवनिन तो हमें थेवनिन ऑप्टेन हो गया है अब हम लोग आर्थ थेवनिन पे कंसिडर कर, करेंगे सॉरी तो आर्थ थेवनिन कैसे निकलेगा यहाँ पे टू ओम का रेजिस्टर था वहां पे देखिए टू ओम का रेजिस्टर थ्री ओम का रेजिस्टर यहाँ पे है टू ओम और थ्री ओम बीच में ए और बी है इधर हमारा शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स होगा तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पे चूंकि शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा तो करंट इस डेक्शन में फ्लो नहीं करेगा इस टू ओम के रेजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा क्यों

वन ओम के रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा ठीक है तो वन ओम का रेजिस्टर हम लोग वापस एक बार फिर से उसे अटैच कर देते हैं वन ओम के रेजिस्टर को हम लोगों ने अटैच कर दिया तो ये था हमारा वन पॉइंट एट वोल्ट्स वन पॉइंट एट वोल्ट्स हमारा था ठीक है वी थेवनिन हमारा आया था वन पॉइंट सो दिस इज वी थेवनिन और ये वन हमारा आर थेवनिन तो दिस इज आर थेवनिन ठीक है तो ये वन ओम है अब हम लोगों को इसके अक्रॉस करंट निकालना है ठीक है तो हम लोग करंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे वी थेवनिन डिवाइडेड बाय आर थेवनिन प्लस वन ठीक है वी थेवनिन डिवाइडेड बाय आर थेवनिन प्लस वन व्हिच इज इक्वल टू वन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो एम्पियर्स आंसर आई थिंक दिस इज क्लियर ओके सो Uh, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया थेवलिंस थ्योरम की थ्योरी के बारे में उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे हम लोग जितने भी डीसी नेटवर्क थ्योरम्स हैं उनको सबका क्यूमुलेटिव अगर कोई एग्जाम्पल होगा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे राइट सो दैट्स इट फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच